आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो स्मार्टफोन, दो के दो स्मार्टफोन काफ़ी पॉपुलर हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा बेस्ट जो आपको परचेज करना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों फ़ोन का हम कंपैरिजन करेंगे, साथ में देखेंगे किस फ़ोन में कितना है दम, यानी कौन सा फ़ोन किसको टक्कर देता है और किस में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। साथ में और चीज़ भी हम कंपेयर करेंगे, मतलब इन फ़ोन की आज हम निकालने वाले हैं अतड़िया और आपको बताएंगे कि कौन सा होगा बेस्ट जो आपको परचेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भी कोई फ़ोन लेना है तो कंपेरिजन वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पर जो है हमारे OPPO की तरफ से OPPO F11 Pro और साथ में जो है वो VIVO V15 Pro है। काफी दोनों पॉपुलर स्मार्टफोन है, प्राइस रेंज भी काफी अच्छी इन दोनों की, एक बजट स्मार्टफोन बोल सकते हैं इन्हें हम, और साथ में इनकी प्राइस तो कमाल की है ही। बट आज हम देखेंगे कि इन दोनों फोन में से ना कौन सबसे आगे निकलता है और कौन रह जाता है पीछे, क्योंकि प्राइस में तो सब अच्छे हैं। अब यहाँ पे हमें ब्रांड से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें जो है फीचर्स देखनी है कि इस फोन में कितना ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो बकवास ना करें यार, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूँ सभी का स्वागत है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे OPPO और VIVO, तो फोन तो इनके कमाल के होते ही हैं, साथ में इनकी प्राइस भी कमाल की होती है। बट कुछ टाइम से जो है OPPO VIVO के प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और एक्सपेक्ट जो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर इन दोनों फ़ोन का कंपेयर करने के बाद देखते हैं किसमें कितना है दम, आ देखें ज़रा। तो चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम F11 Pro की बात करें, OPPO यानी OPPO F11 Pro की बात करें, तो यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.3 इंचेस की IPS LED डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कोई सी बात नहीं है। बट अगर हम VIVO V15 Pro की बात करें, तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.3 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही जो डिस्प्ले है ना काफ़ी कमाल के हैं, बट यहाँ पे जो है ना V15 Pro काफ़ी ज़्यादा है आगे है IPS LED, क्योंकि यहाँ पर आपको भैया सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और वहाँ पे आपको IPS LED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। थोड़ा सा डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कहीं तो यहाँ पे जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो आपको चाहना चाहिए VIVO V15 Pro के साथ। अब चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन की बात तरफ चलते हैं, जो इसका प्रोसेसर, क्योंकि सबसे मेन यही होता है और ताकत इसी में पता चलती है। अगर हम यहाँ पे OPPO F11 Pro की बात करें, तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हीलियो का P70 देखने को मिलता है और ये ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसकी टॉप क्लॉक स्पीड की बारे में बात कर लेना, तो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर ये प्रोसेसर जो है रन करता है, तो कमाल का प्रोसेसर है यार हीलियो का P70। वहीं पे अगर हम इसकी ना बेंचमार्क स्कोर देख लें, तो 13,56,000 के करीब में है। प्रोसेसर तो काफ़ी पावरफुल है ही, साथ में दूसरे फ़ोन का भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम VIVO V15 Pro के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा है, बोल सकते हैं इसे हम, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। और अगर इस प्रोसेसर की टॉप क्लॉक स्पीड देखें, तो ये जो प्रोसेसर है वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर रन करता है, और अगर इसकी बेंचमार्क स्कोर देखें तो 11,56,000 के करीब में इसका जो है वो बेंचमार्क स्कोर आता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, अंदाज़ा तो वैसे ही लग गया होगा, क्योंकि रन की स्पीड देखने को तो आपको पता लग गया होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूँगा वो हीलियो का P70 करूँगा, क्योंकि भैया नया चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल है, ताकतवर है, मैं इस प्रोसेसर को यूज़ भी कर रहा हूँ, ये मत मैं खुद ही बोल रहा हूँ। 675 है जो काफ़ी ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इसे, मतलब ज़्यादा का तो हम एवरेज नहीं दे सकते, बट हाँ थोड़ा सा हीलियो का P70 इससे फास्ट है। आप गेमिंग में, लाइव स्ट्रीम करने में या फिर वीडियो एडिटिंग में आपको दिक्कत नहीं देगा, थोड़ा सा ये उससे स्लो है। तो रिकमेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप कौन सा लेना बेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ प्रोसेसर के हिसाब से दोनों ही बेस्ट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, जो इसका कैमरा, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है फोन में। OPPO F11 Pro की बात करें, तो यहाँ पे जो हमें कैमरा देखने को मिलता है वो रियर साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का आपका कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर होगा। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात कर लें, तो 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कितने प्राइस रेंज में ये सारे कैमरे शोभा नहीं देते हैं इस फोन को। चलिए अब बात करते हैं VIVO V15 Pro में हमें कौन सा कैमरा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो हमें कैमरा देखने को मिलता है वो 48+8+5 मेगापिक्सल का रियर साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का है वो आपका वाइड एंगल लेंस हो जाएगा, और +5 मेगापिक्सल का है जो आपका डेप्थ सेंसर हो जाएगा। तो अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है VIVO V15 Pro में।
तो यार वैसे भी कमाल की बात है, क्योंकि कैमरे के मामले में ना जो वीवो का वी 15 प्रो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है F11 प्रो से। तो मैं तो सीधे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कैमरे देख के फ़ोन लेना चाहते हो ना, तो वीवो का वी 15 प्रो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब अंदाज़ा अगर आप ये भी लगा सकते हो कि अगर आपको कैमरे से नहीं मैटर है तब तो फिर आप वही ले लो ओप्पो का ही, बट अगर आपको कैमरा मैटर करता है, प्राइस आपको उतनी ही देनी है थोड़ी सी ज़्यादा, तो आप भैया सीधे से ले लो वीवो का वी 15 प्रो, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है पीछे और 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट देखने को मिल जाता है। अब चलिए हम लास्ट फीचर के बारे में बात करें, मतलब लास्ट कंपैरिजन की बात करें, जो है इसकी बैटरी। अगर हम यहाँ पे बात करें ओप्पो F11 प्रो में जो हमें बैटरी देखने को मिलती है वो 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, वहीं अगर हम बात करें वीवो का वी 15 प्रो में तो यहाँ पर हमें 3700mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, जो आपकी 4000mAh बैटरी है और 3700mAh बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती, आपकी 4000 ज़्यादा चलेगी क्योंकि वो और भी ज़्यादा चलेगी, यहाँ पे 3700mAh कम चलेगी क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है ना वीवो का वी 15 प्रो में वो स्नैपड्रैगन का 675 है, ये आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। वहीं अगर हम बात करें ओप्पो A50 जो है ओप्पो F11 प्रो, यहाँ पर जो आपकी बैटरी वो 4000mAh की है, प्रोसेसर जो है आपका हीलियो का P70 है, प्रोसेसर सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये जो बैटरी है ना, मतलब प्रोसेसर वो आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग जो है ये स्नैपड्रैगन 675 के। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना घूम घुमा के सारी बात की कौन सा बेस्ट होगा, तो ये मैटर आपके ऊपर करता है, ठीक है। पहले तो आप ब्रांड देखोगे भैया, जिसको जो ब्रांड पसंद है वो लोगे। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वीवो का वी 15 प्रो काफ़ी ज़्यादा आगे है ओप्पो F11 प्रो के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, बैटरी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती है। बट अगर मेरा ओपिनियन एकदम नहीं कि भैया कौन सा फ़ोन लूँ आप ही बता दो, तो यहाँ पे जो फ़ोन होगा ना वो ओप्पो का F11 प्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो प्रोसेसर तो हाई मिल ही जाता है, बस आपको एक ही चीज़ तो कम मिलती है वो है इसका कैमरा, और कैमरा भी ज़्यादा बेकार नहीं बोल सकते। अब आपके ऊपर मैटर करता है कि भाई आपको कैमरा चाहिए या फिर आपको चाहिए सारे एक्सपेक्ट्स, क्योंकि एक्सपेक्ट्स के हिसाब से देखें तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा लेते हो, क्योंकि इस फ़ोन में आपको रैम भी अच्छा देखने को मिल जाता है, रैम इसमें भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है प्रोसेसर तो हाई देखने को मिल ही जाता है, कैमरा थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है, बैटरी भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो है वीवो वी 15 प्रो में आपको प्रोसेसर कम देखने को मिल जाता है, कैमरा हाई देखने को मिल जाता है, इसीलिए थोड़ी सी प्राइस में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर हम लास्ट फाइनल फीचर्स के बारे में बात कर लेना कि इसमें एंड्रॉयड कौन सा रहता है, दोनों में ही एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को मिल जाता है, तो आशा करता हूँ कंपैरिजन देख के मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करिएगा ही, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा रोजाना एक रिव्यू और एक कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सेहनोरा आई एम।